बेगूसराय में मंगलवार को मेन रोड स्थित श्री अग्रसेन धर्मशाला में अग्रवाल समाज बेगूसराय के सौजन्य से राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन कैंप में तकरीबन 600 से अधिक व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज दिया गया। वहीं टीका लेने वाले लोगों ने इस तरह के सामाजिक प्रोत्साहन के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। बताते चले कि इसके पूर्व भी इसी जगह अग्रवाल समाज के द्वारा 11 जून 2021 को कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज के लिए एक शिविर लगाया गया था। मंगलवार को आयोजित शिविर का संचालन डॉक्टर रतीश रमन के मार्गदर्शन में किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज बेगूसराय के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह के वैक्सीनेशन शिविर को आवश्यक बताया और स्वास्थ्य भारत की परिकल्पना के लिए इसे आवश्यक बताया। वहीं समाज सेवी मुकेश जैन ने इस तरह के वैक्सीनेशन कार्यक्रम से ज़्यादा उठाने के लिए आम लोगों और संस्थाओं को जुड़ने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अभिनव अग्रवाल के नेतृत्व में प्रवीण अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, संदीप नारायण, कल्याणेश अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, सौरभ गोयल, साकेत गोयल, वैभव अग्रवाल और गौरव मित्तल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। टीकाकरण अभियान जो चलाया जा रहा है ये किनके माध्यम से चलाया जा रहा है, ये सरकार के तरफ से या आप लोगों के तरफ से? ये टीकाकरण जो वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है ये हमारे स्वास्थ्य विभाग बेगूसराय के द्वारा चला जा रहा है और सरकार के द्वारा निःशुल्क टीकाकरण का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जिसका मतलब कि जागरूकता या जिसके सहयोग से अग्रसेन अग्रसेन अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा अग्रसेन धर्मशाला में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। हम लोग मिल करके इसको व्यवस्थित मतलब कि लोगों को जागरूक करके टीकाकरण दिला रहे हैं और लोगों में अब जो हम लोगों ने पहला टीकाकरण किया था अब ये जो सेकेंड शिविर हम लोग आज 3 महीने बाद लगा रहे हैं, लोगों में काफ़ी जागरूकता आ चुकी है। लोग वैक्सीन लेने के लिए तत्पर, किस तरह से हमको वैक्सीन जल्द से जल्द मिले। अब जो यहाँ की स्थिति है, लोग वैक्सीन की कमी हो सकती है, लेने वाले की कमी है, इस कारण से अभी जो टीकाकरण का कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत से लोगों के द्वारा बहुत से बार अरे किस स्टेटमेंट कर रहे हैं निःशुल्क टीकाकरण शिविर हम लोगों को उसका भार दिया गया था कि सब कैंप जो है आप लगाइए जिसमें लोगों में जागरूकता, तो इसी जागरूकता के तहत हम लोगों ने अपने अग्रवाल समाज बेगूसराय के सौजन्य से और स्वास्थ्य कमेटी के दौरान अनुग्रहित होकर के हम लोगों ने फर्स्ट डोज का कैंप लगाया था। उसके बाद 84 दिन पूरा हो गया सेकंड डोज के लिए, तो फिर उन्हीं लोगों के लिए और नए लोगों के लिए प्रोत्साहन हेतु फिर हम लोगों ने राज्य स्वास्थ्य समिति से निवेदन किया। आप लोगों ने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए आज एक मेगा कैंप हम लोगों को दिया। इस मेगा कैंप को हम लोग अपने अग्रवाल समाज बेगूसराय के सौजन्य से और लोगों के सहयोग से, अग्रवाल समाज के अन्य सहयोगियों के सहयोग से हमने इस मेगा कैंप को का संचालन किया, जिसमें फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों जो है इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों डोज पड़ रहा है। जी हाँ, और इस दोनों डोज में लोगों का जो तो हम लोग से ज़्यादा सुविधा हो सका है, जैसे स्वास्थ्य शिविर लगाए हुए हैं जिसमें 20 सप्ताह जो है उन लोगों की जाँच हो रही है, इसमें और भी ठंडा बिस्कुट पानी सब लोगों को दिया जा रहा है। लोग भी इस अवसर का एक मेला की तरह अवसर का लाभ उठा रहे हैं और आ करके
परिवार सहित और अपने इष्ट मित्रों के सहित वैक्सीनेशन कैंप का को सफल बना रहे हैं और अपने जागरूकता को हमारे जागरूकता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी अच्छी व्यवस्था में बिना किसी भीड़ भाड़ के लोग इसका सफल से फायदा उठा रहे हैं और हम लोग हमारे सहयोगी अभिनव अग्रवाल हुए, अंजित नारायण हुए, हम जनरल व्यवसाय प्रकोष्ठ के रूपेश कुमार जैन जी हुए, इन लोगों का हम बहुत सहयोग मिला है और उन्हीं लोगों की मेहनत से हम इस शिविर को सफल बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं संजीव अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज व्यवस्था।